हाँ, इसका आंसर चैट में लिख के भेजो या व्हाट्सएप करो। भेजिए सर। हाँ भी लिख दिया। द डीकम्पोजिशन प्रोग्राम मीन्स प्रिपेयर प्रोग्राम टू स्मॉल फंक्शन व्हिच मेक्स इट इजियर टू राइट। ठीक है, इसका भी देख लो। इसको ऐसे लिखा करो, ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम, अ टास्क इनटू सब प्रॉब्लम, ये वर्ड यूज किया करो, सब प्रॉब्लम सब मॉड्यूल, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अंडरस्टैंड इजियर टू सॉल्व प्रॉब्लम लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल साइनिंग प्रॉब्लम पार्ट टू द। इस तरह के की वर्ड यूज किया करो, सही वैसे ठीक है। सब प्रॉब्लम। हाँ, इसका भी उसे भेजो चैट पे। हाँ भेज दिया सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका भी सेंड कर दो। सर इसके लिए तो इंसर्ट चाहिए होती है ना। हाँ, इंसर्ट इसका चाहिए। मुझे एस की होगा, पहले वाले का एस हाँ की कोड ठीक है, एस की का होगा, फिर दूसरे वाले का होगा टू मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग टू नम 27, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू इसको नम में करेंगे तो फिर उसको ठीक है, 27 से मल्टीप्लाई तो 54 आ जाएगा, तो स्ट्रिंग टू नम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और का देखना पड़ेगा हमें राइट तो करके भेजो, राइट करके भेजो, चैट पर राइट करो। भेजता हूँ।
हाँ भेज दिया। स्ट्रिंग सर भेज दिया टू नम जी, इंटीजर चैट करें 27, फिर। ठीक है। हाँ ये चेक करो, जी सर, सब सही। सब सारी ठीक है। अब ये भी भेज दो। भेज दिया सर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट ले, या खुद से ड्रॉ कर ले। सही।
जी सर, मेरा हो गया। हो गया, कर लिए, व्हाट्सएप जी सर, कर दो। कर दिया सर आपका, ठीक ठीक है, चेक करो। है ना। सही सही सही, आउटपुट टोटल आउटपुट नहीं, मतलब सही सर, सही 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 है। जी, सही है जी। सब सही है, सारे एलिमेंट सही है। अच्छा आउटपुट भी ऐसे करवाया मैंने दोनों इंसर्शन ऐसे लिया था, अगर नेक्स्ट अगर वैल्यू 0 होती है तो वो डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा, और ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर वो प्रोसेशन बॉक्स में जाएगा। उसमें देखेंगे अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाले फंक्शन लग जाएंगे, वरना एल्स में नेगेटिव वाले फंक्शन, और फिर इन दोनों वापस से जाएंगे इनपुट नम में जब तक आउटपुट 0 ना आ जाए। सही चलता सही रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही 0 आया फिर ये आउटपुट हो जाएंगे। गैप्स पर देख लो। लाइफ साइकिल मेथड का ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट। लिख के भेज देना, लिख के व्हाट्सएप। मैं चैट पर लिख देता हूँ। अच्छा चॉपर भी यहाँ तो था, सारे लगा दो यहाँ से। बंद करिए, पहले बंद करो, पहले बंद कर दो। था चॉपर भी था, भेज दिया सर। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, एंड यूजर टेस्टिंग, क्लाइंट चेक द इनिशियल सॉफ्टवेयर रिलीज प्रॉब्लम। लाइफ साइकिल मेथड पूछा है ना, टेस्टिंग ही पूछा है। ये टेस्टिंग नहीं है, आइडेंटिफाई लाइफ साइकिल मेथड दैट वुड बी एप्रोप्रिएट इन दिस केस। लाइफ साइकिल मेथड पढ़ा हुआ ना आपने, आइटरेटिव।
अच्छा इटरेटिव वगैरह, लाइक हाँ रैपिड, सिलेक्शन। हाँ ये वो है ना, एक सेकंड, इटरेटिव रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोवाइड वर्किंग मॉडल और प्रोटोटाइप एट एन अर्ली स्टेज फॉर द प्रिंसिपल प्रोटोकॉल। मैंने ये वैसे होते हैं, कौन सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो आइटरेटिव में। लाइफ साइकिल मेथड पढ़ा होगा ना, जी एक वो पढ़ा होगा ना, वाटर वाटरफॉल वाटरफॉल मॉडल मॉडल। हाँ बिल्कुल। जी, और एक रैपिड उसका होता एक है, एक आइटरेटिव होता है, एक रैपिड होता है। ये तो बुक ये तीन होते ये पढ़े हुए तुमने? जी नहीं पढ़े हुए नहीं है। ठीक जी है, नोट बने हैं तो ये। है, अच्छा ये लाइफ साइकिल मेथड हो गया, हाँ बिल्कुल उसको चेक कर लो। इसका क्रिएटिव मॉडल। इसके मार्किंग सीन दिखाया, ठीक ये ठीक है। चैट पे लिखे हुए। ठीक जी सर, आपको भेजा मैं। ठीक ठीक है, क्या है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साइकिल इज रिपीटेड। नहीं ये नहीं है, वो डिजाइन स्टेज पे क्या होगा ये चेक करो। ये कहाँ सर, देखो ये डिजाइन स्टेज है ना, उस पे क्या करेंगे, यानी एनालिसिस पहली स्टेज है। एनालिसिस पहली स्टेज क्या है? एनालिसिस एनालिसिस। है, ठीक है। एनालिसिस के बाद डिजाइन स्टेज है ना। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह ये नोट्स देख लेना, ठीक है, डेवलप लाइफ साइकिल डेवलपमेंट के ना। उस अब डिजाइन जी स्टेज पे आप डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एल्गोरिथम या सूडो कोड बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर मेथड बनाते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर चार्ट जो होते हैं वो, यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, और ये वेब पोर्टल की बात, वेब पेज लेआउट है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा काम डिजाइन से करते हैं। ठीक एक सेकेंड सर, है, ठीक सही सर।
भेजिए सर। ठीक है। यही है। ठीक ठीक है। जी सर। जी सर, ये भी हो गया। छोटा सा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये डिक्लेयर मेंबरशिप अरे 1 to 3,000 ऑफ स्टूडेंट। जो एलिमेंट यूज नहीं हो उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दें, -1। ठीक है। ठीक आउटसाइड द नॉर्मल रेंज, हाँ तो -1। सही है आपका। ठीक जी सर, आउटसाइड द रेंज करवा दीजिए। क्लब्स का भी कर देंगे, इंडिकेट एंड अनयूज क्लब फील्ड, वही के रेंज से एलिमेंट से आउट आउट ऑफ एलिमेंट वगैरह, या उसका स्ट्रिंग पे वो नो वैल्यू वगैरह कर सकते। चैट पे लिखना था ना, चैट पे। ठीक भेज दिया सर। The unused club feet can be indicated as out of element and if that string. Number outside the range 1 to 99, इसका क्या मतलब है? कौन इसका ये है सर, जो कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, हाँ उन्होंने एक एलिमेंट दिया हुआ है 1 to 99, इसमें उन्होंने क्लब कीड्स वगैरह दी हुई। ठीक है। तो देखे ना, इन्होंने क्या, एनी वैल्यू टू द रेंज 1 to 99 इंक्लूसिव। तो ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट से बाहर करेंगे तो वो अनयूज्ड हुआ होगा। तो ठीक बस वही वही मैंने बता दिया कि हम अनयूज्ड क्लब को इंडिकेट करवा सकते हैं आउट ऑफ एलिमेंट, आउट ऑफ रेंज। है।
स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हेलो, सर। ये उसी सवाल का हिस्सा है तो हमें अरे ही लेना पड़ेगा इसका। क्या मेरे पास इसका पूरा सवाल नहीं है। ठीक हाँ तो मैं दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये उसी को कंटिन्यू करेंगे ना। पहले इसका ले लो जी, और इसके बाद इसका, ठीक है।
हो गया सर। ठीक है, यही तो। ठीक जी सर जी। भेज दिया सर आप इसकी मार्किंग। ठीक है, ये चेक कर लो। ठीक सही सही काउंट तक सही है सर उसमें। स्टूडेंट आईडी आउटपुट नहीं करवानी। जी इसका फिर ये एक पार्ट मिसिंग था शायद इससे पहले वाले में, क्योंकि नहीं मिसिंग नहीं, वो मेंबरशिप और इंडेक्स का तो बताया हुआ ही नहीं था। सारे नंबर ऑफ क्लब है ना, ये जो इंडेक्स चलेगा नंबर ऑफ क्लब के लिए चलेगा ना, वो बताया हुआ शुरू में। उन्होंने मतलब ऐसे कहा था कि आप जो क्लब का नंबर है वो इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पे और उससे आप यहाँ पे चेक करेंगे। मैंने इसकी फोटो दी थी और सवाल की फोटो दी, तो इसपे इंडेक्स और वो उसका तो नहीं होगा। चलो मैं बता इसमें क्लब के बारे में दिया हो, नहीं जी क्या क्लब जी के बारे में डिटेल ये दी है ना यहाँ पे, ये कह रहे हैं वन डी एरे मेंबरशिप कंटेनिंग 3000 एलिमेंट इट यूज टू स्टोर द स्टूडेंट डेटा, इससे रिलेट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बता दूंगा इसकी फोटो। हाँ फोटो नहीं, ये इससे रिलेट एक देख, सेकंड हाँ दिखाएगा। ये इससे रिलेट कर रहा है ना, जहाँ पे क्लब का बताया हुआ। ठीक एक सेकंड इसका वो दिखाएगा मार्जिन। ये वाला नहीं, इसकी नहीं, मतलब जो सवाल आपने कोर्ट की। ये वाले ठीक जी
सही है, सही आगे फ्रेंड। जी। ये इसकी मार्किंग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चैट पे लिख के भेज। भेज दिया सर। ठीक है, पहला 21 है, 19, 21, 23, ठीक है, प्री कंडीशन, ठीक है, थ्री नहीं वन, ये थ्री और वन आ रहा है और रिजल्ट ये चेक कर लो। द नंबर ऑफ फंक्शन यूज थ्री है, द नंबर ऑफ पैरामीटर पास फंक्शन स्ट्रिंग टू नम वन है, ये आपका रिवर्स हो रहा है। अच्छा हाँ सॉरी मैंने ओपन किया। हाँ इसके इसका स्क्रीन है और चैट पे लिख के भेज दो।
भेज दिया सर। फिल्ट्रेशन और सिलेक्शन, ये असल में उसका पूछ रहा है ना, ये ठीक है। कैपिटल वर्ड ऑफ कीवर्ड एंड कैंसल केस, कैमल केसेस और यूजिंग मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं, एट्रैक्शन नहीं आएगा वो तो एनहांस करने के लिए, ये एक आएगा मीनिंगफुल वेरिएबल, सही, मीनिंगफुल बाकी दो सही। ये भी चैट पे गई थी। द लूप स्ट्रक्चर यूज्ड इन द स्यूडो कोड इज नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सर स्यूडो कोड दिखाएगा हमें ताकि चेक कर। और सर इफ और वो दिखाएगा आप सवाल। भेज दिया सर। ठीक है, इसका वो दिखाएगा नहीं लूप स्ट्रक्चर में केस ऑफ नहीं आएगा, लूप में तो लूप आएगा, काउंट कंट्रोल लूप, क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशन पता होते हैं ना, तो हम काउंट कंट्रोल लूप यूज करते हैं, द नंबर हमें, ऑफ इसमें इटरेशन। नंबर ऑफ इटरेशंस पता थे। हाँ वो 3000 है ना, अरे जो बनाया नहीं था, नहीं वो हाँ तो बहुत पहले का था, एक वो सेकंड अभी तक दिखाया, भी नहीं नहीं एक सेकंड सवाल दिखाता, ही है। एक सेकंड दिखाता, ये है ना यहाँ पे 3000 है। नहीं तो वो छीटर छोड़ो, ये लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है ना आपको, हाँ स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है, तो इसमें वो पता तो ही ना मेरी स्ट्रिंग यानी जो कितनी भी, हाँ पता तो नहीं, जो भी स्ट्रिंग पास होगी उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा और उतने टाइम वो चलेगा लूप।
अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है द लूप स्ट्रक्चर यूज इन द सो इज नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। खुद कह रहा है कि जो लूप वाइड लूप यूज कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है, स्टेट अ मोर एप्रोप्रिएट लूप स्ट्रक्चर। वो काउंट कंट्रोल ही है, खुद बता रहा है द नंबर ऑफ नोन और रिपीट द लेंथ ऑफ इन स्टेट। ये जैसे लिखा हो रहा है रिपीट द लेंथ ऑफ इन स्टेट, इंस्टेंट वो लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा, वो नोन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो सही इस चीज को देख रहे हैं। सही सूडो कोड दिखाएगा सर, सूडो क्या दिखाऊं, कोड ये वाला इसका ये हमें वाला 2 लाइन। भेज दिया सर आप कौन से? ठीक है, ठीक है, चलो काफी है मेरा। सही, अच्छा, अब फर्दर स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारी? भी वही करता रहूंगा, पास पेपर्स वगैरह। और मेरा जो P2 का थ्योरी है कुछ वो बची है बस। ठीक है, P2 में वो जो थ्योरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हाँ वाइट बिल्कुल। बॉक्स टेस्टिंग, वो सब बचाओ अच्छा अगली हाँ, क्लास में वो कर वो कल देते। होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कल भी दरअसल आपकी क्लास कितने बजे है? ठीक सही, है, कल है आपकी क्लास वही 7 से 8 ही। कल ठीक है, कल 7 से 8 है क्लास, कल 7 बजे। ठीक सही, ठीक है, तो कल है तक आपके 1 तो नवंबर 23 सारे हो जाने चाहिए, जून जी। वो तो होगा, मतलब 23 जून 23 के आप 2-3 भेज दे मैं पेपर भेज दूँ। ठीक जी। है, वीडियोज भी खास तौर पे देख लेना जो आखिरी क्वेश्चंस की है खास तौर पे। आप उसके अगर पेपर डॉग्स की वीडियो भी है तो वो भी भेज देगा हाँ, मैं वो जून 23 है ना, मैं जी। फिर भेज देता और पेपर भी अगली भेज क्लास दूँ। में थ्योरी कर लेंगे जी। हाँ ठीक है, कल ना। ठीक है, लेकिन आप अपने एंड पे पेपर करते रहे, पूरा पूरा पेपर, ताकि सही कोई कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, उसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सही, ठीक है, मैं कल कल इंशाल्लाह थोड़ी कर लूँ, तो ओके 23 में डालो ताकि पीछे 22 रह जाएगा, जो फिर आपको एक ही दिन सही। बचेगा 22 के लिए। ठीक हाँ वो कर लूंगा, वो है, ठीक भी हो। है, ओके, अल्लाह हाफिज़।